जिस झूठ जिस छल के साथ उस छोरी ने ब्याह के इस घर में लाए थे, उसे इस घर में रहने को मजबूर किया था ना, हम सब का वो मकसद गलत था। और वक्त बीतने के साथ साथ उस छोरी ने साबित किया कि वो एक अच्छी बहू है, तेरी पत्नी है और तेरी जिम्मेदारी है। और मैं जितना अपने अपने बेटे को जानती हूं ना, वो अपने फर्ज अपनी जिम्मेदारी से पीछे तोड़ा हटेगा। और सगो अभी तो जिम्मेदारी है मां, बचपन से सिर्फ मेरी लुगाई बनना चाहती है। कहूं मैं सगुन ने पहना दी दुल्हन का जोड़ा, ब्याह कर ले उसके साथ और निकाल के फेंक दे मीत को इस घर से बाहर, अपनी जिंदगी से बाहर। लेकिन सवाल वही है ना, नितिन तू यहां अचानक से? आप इसे जानते? साला है महेंद्र भाई का, बत्ती भाभी का भाई, सगुन का भाई है। नितिन कैसा है, तू कब आया? हाँ भाई नितिन, आजा बैठ जा, समोसे खा ले। हाँ बता कब आया? जीजा जी मैं कब आया ये जानना इतना जरूरी नहीं है, जितना ये जानना जरूरी है कि जब से शगुन इस घर में आई है तब से उसके साथ क्या हो रहा है। सवाल उठ रहे शगुन पर और शगुन और मनमीत के रिश्ते पर। जाने दो भैया, जाने दो, तुझ पर सारी दुनिया सवाल उठा रही है और तू बोल रही है जाने दो। एक बात तो सच है कि शगुन तुझे बचपन से चाहती है, हमेशा से। हम भी यही चाहते थे कि एक दिन शगुन इस घर की बहू बने, दुल्हन बनकर आए इस घर में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो भाई होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है कि जैसे मनमीत मीत के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, वैसे ही शगुन को भी हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। इसलिए मैंने मेरी बहन के लिए एक लड़का देखा है। हाँ भैया, कल जब मैंने मनमीत को सब कुछ बताया कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा और ना मुझे रोका ना मुझे टोका, कुछ भी नहीं बोला उसने। मैं क्या करूँ भैया, क्या करूँ? कोई असर नहीं हुआ उस पर। मनमीत पहलवान पर असर होगा लेकिन बातों से नहीं, कुछ करके दिखाना होगा। मनमीत रोक लेना भाई को, मैं वैसे ही खो चुकी हूँ तुझे। तेरी यादें कोई छीन लेगा तो मैं कैसे रहूंगी, तेरे बिना कैसे रहूंगी? मनमीत रोक लेना भाई को। एक मिनट, क्या कर रही है तू? कैसे रहूंगी? शादी नहीं करनी तुझे, घर नहीं बसाना अपना, ऐसी बेइज्जती भरी जिंदगी और जिल्लत भरी जिंदगी जीनी है, वो भी क्या अकेले? अकेले नहीं हूँ मनमीत, समझाना। तेरी यादें हैं ना मेरे साथ और वो काफी है। बिल्कुल सही कह रहा है नितिन, तने भी हक है अपना जीवन साथी पाने का, तने भी जिंदगी में कोई ऐसा मिलना चाहिए जो तेरा हाथ थामे, तेरा साथ दे, वो हक दे, वो सम्मान दे, वो प्यार दे जो मनमीत कभी ना देता। सही कह रहा है नित।
शर्मी थी कि ये क्या बोल रहा है तू, तेरे बिना किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सही ना है मनमीत। सगुण देख, विथोड्डा इस घर की बहू है, मेरी पत्नी एक जिम्मेदारी है, और राजवर्धन साहब को एक वचन दिया है मैंने जो इसके अलावा और किसी तरीके से पूरा ना हो सकता। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ सगुण, तो किसी इंसान का हाथ थाम कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी, उसके साथ खुश रहेगी ना, तो ये मनमीत भी खुश रहे। तू अपनी आंखों से देख लियो, जब संदीप मेरे आगे पीछे मंडराएगा ना, तो मनमीत के दिल पे क्या बीतेगी, और तू देखना कैसे उसके अंदर मुझे वापस पाने की तड़प उठेगी। और इन सब पे मनमीत ने जो तकलीफ पहुंचेगी उसका के, जिससे प्यार के दावे करती है उसने जख्म दे रही है। जख्म नहीं, बस उसके खुले जख्मों पे थोड़ी सी मिर्ची लगा रही हूँ। खास मिलने को यह ऐसा मौका मिल जाए कि मैं मनमीत ने बता पाऊँ कि उस पर वार करने वाली तू थी, तेरी वजह से वो अपना कुश्ती का सपना पूरा ना कर सकता, फिर शायद तन्ने किसी और की बाहों में देख कर उसने रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। कोशिश करके देख ले, पर बिना सबूतों के तो तेरी कोशिश नाकामयाब रहेगी, और मनमीत पूरी बातों पे यकीन नहीं करेगा। नितिन, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शकुन और गुणवंती भाभी के भाई हो? मेघना, मैंने तुम्हें बताना चाहा हमेशा, लेकिन तुम हमेशा एक तो जल्दी में होती थी या तो फिर गुस्से में, हमेशा लड़ने को तैयार। बताने का मौका तक नहीं दिया मुझे, ऊपर से मुझे तुमने थप्पड़ मार दिया। I'm sorry, मेरा इंटेंशन गलत नहीं थे। लगता है भाई का प्लान काम कर रहा है, मनमीत पे असर हो रहा है। संदीप अच्छा लड़का है, खुश रखेगा सगुन को, बात आगे बढ़ा सकते हैं। कल कर लेते सगाई। चला गया था। झूठ बोलना ना जाता तो फिर क्यों बोलता है? तकलीफ हो रही है ना तन्ने? मने क्यों लगी तकलीफ? ये फैसला सगुन के लिए मैंने तो लिया, कुछ ना हो रहा। काम की बात सुन, आज के बाद से तू इस घर की बहू है, और तने वही सारे अधिकार और हक मिलेंगे जो बाकी बहुओं को मिलते हैं। तेरे से बस एक उम्मीद है कि तू इस घर को समेट के साथ लेकर चलेगी, प्यार देगी, सुरक्षा देगी, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि वो तेरा परिवार है। और मैं आजीवन कोशिश करूंगा कि तने किसी भी चीज की कमी ना हो, तने किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं ला कर दूंगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा,
जो तने चाहिए मुझे बताना। तुझे याद है एक दीपावली के वक्त तेरे गहन का झुमका गिर गया था। सारा घर मिलके ढूंढ रहा था लेकिन मिला ही नहीं, और मेरे पास था, मैंने छुपा लिया था, अपने पास रख लिया था, क्योंकि जो तेरा झुमका मेरे पास रहता था ना, तो मैंने ऐसा एहसास होता था कि मेरी सगुण मेरे पास है, और सोचा था ऐसे दिन लौटाऊंगा तने वापस, जो हमारा खास दिन होगा, मेरा मतलब है कि हमारे ब्याह का दिन। पर मने नहीं लगता कि वो दिन आने वाला है। सगुण अकेले ही हो वापस, क्योंकि यो अगर मेरे पास रहेगा ना तो मैंने सिर्फ दुखी देखा। जा शगुन। कौन? शगुन मैं हूँ, मनमीत। जल्दी भूल गई तुम मुझे। लाइट जला दो, कुछ दिख ना रहा। शकुन लाइट जल रही है, क्या बोल रही है तू? क्या मजाक कर रहे हो? कुछ दिख ना रहा मुझे। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, ना शगुन मेरी और भागती हुई आती, ना उसने इतनी चोट लगती हुई एक्सीडेंट। मैं जिम्मेदार हूं इसका। शगुन के साथ जो कुछ भी हुआ, सही ना हुआ, और उसका दुख मुझे भी है, लेकिन इस बात के लिए तू खुद को दोष क्यों दे रहा है? ये तेरी गलती ना है। और तू बिल्कुल मत घबरा, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाएंगे, उसकी आंख वापस आएगी। और वैसे भी संदीप ने उसका हाथ थाम लिया है, उसका ख्याल रखेगा, सगुन उसके साथ खुश रहेगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मीत, शगुन तुमसे बात करना चाहती है। से प्यार करके क्या मिला उसे? जिंदगी भर की बर्बादी। देख उसे, तूने अपने बदले के लिए मीत से ब्याह किया, अकेली पड़ गई मेरी बहन। तूने राजवर्धन जी को वादा किया और अपना वादा निभाया। कीमत किसे चुकानी पड़ी? मेरी बहन को। और अब तू क्या चाहता है? वो जिंदगी भर अंधेरे में रोती रहे ये सोचकर कि जिस बंदे को उसने बहुत प्यार किया उसी ने उसे छोड़ दिया इस हालत पर। मैं रखूंगी जिंदगी भर अपनी बहन का ख्याल। बचपन से सपने देखते आई कि ब्याह करेगी तो सिर्फ मनमीत देवर जी से। लगता है तकदीर ने इसके हाथ से ब्याह की लकीर ही मिटा दी।
तकलीफ होती है ना तन्ने सगुनों को तकलीफ में देखकर, वैसे ही तन्ने तकलीफ में देख के मन ने तकलीफ हो गए है। ऐसे तकलीफ में ना देख सकती मैं तन्ने। मैं तन्ने पापा जी के दिए हुए वादे ते आजाद करती हूँ, आजाद करती हूँ मैं तन्ने बड़े प्यार ते। हमारे बीच जो जो साथी का रिश्ता है आज ते तू उससे आजाद है। तू प्यार करता है ना सगुन ते, जताम ले उसका हाथ तेरे देसी का है। प्यार हासिल करने का नाम ना होता दूसरे के लिए उसकी खुशी के लिए बड़ा सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम हो गए। अगर आज सगुन का हाथ थाम लेता हूं ना तेरा छोड़ देता हूं तो तेरे साथ ना इंसाफी हो जाएगी, और अगर तेरा हाथ थाम के पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं तो पूरी दुनिया की छोरियों का ना प्यार पड़ते हुए स्वाद ही उठ जाएगा। कभी ना मान पाएंगी वो कि सच्चे प्यार बचपन के प्यार जैसी कोई चीज होती है। मेरी गलती ना है, आज वक्त और दौर है, ऐसी जगह पे खड़ा हूं मैं जहां कुछ भी कर लूं अपनों को खुशी ना बस दर्दी दे पाऊंगा मैं। उन्हें कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं और क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं है मुझे। मैं तेरे दिल के करीब हूं, इतना काफी है मेरे लिए। इसी एहसास के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। वैसे भी मन ने फैक्ट्री बनानी है, औरतों के लिए कितना कुछ करना है। मैं बेकार में ही हो, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई। तू मेरे थे पूरी तरह ते आ जा ना मनमीत, मेरी कसम तन्ने, मेरी कसम। तलाक के पेपर इन्हें साइन कर दे, यो एक रास्ता है। यो एक रास्ता है सब ठीक करने का। साइन कर दे, नाम ले सगुन का हाथ। हम सोच लेंगे कि हमारा साथ यहीं तक था। नितिन, अरे मेघना तुम देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। तुम भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करते हो जितना कि मनमीत भैया हमसे करते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेघना, इन दिलासों से मेरे बहन की किस्मत बदलने वाली नहीं है, ना ही उसके आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। मीत भाभी ने एक डॉक्टर से बात की है, शकुन की आंखें ठीक भी तो हो सकती है ना। देखो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और देखो, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जैसे झट से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना, ठीक वैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे।
मेघना, जब मुसीबतों का पहाड़ आता है ना, तब वो मुसीबतें कब जाएगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारी बातें आज सुनकर सुकून मिल रहा है। थैंक यू। अब आई एम सॉरी दीदी। हाँ दीदी, क्या अभी 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 आया, अभी आया, मैं आता हूं। इस पर सगुण का क्या? तूने मुझे चैलेंज दिया था ना मीत हुड्डा, देख ले, देख ले, जीत गई मैं तुझसे। तेरे गले का मंगलसूत्र अब वो मुझे पहनाएगा, तुझसे ब्याह तोड़ के मेरे साथ ब्याह रचाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर मनमीत तेरे गले से ये मंगलसूत्र निकाल के मुझे पहनाएगा, तेरी सजीव मांग सुन्नी करके मेरी मांग सजाएगा, और तेरे साथ उल्टे फेरे लेके मेरे साथ वचन लेगा। ये सब उलकाना है, इस पे तेरा अधिकार है मीत। क्यों कर रही है बेटा सब, क्यों कर रही है? यो जानते हुए भी कि उसने मनमीत की जान लेने की कोशिश की, यो जानते हुए भी तू सगुन को सौंप रही है उसे। सगुन ने जो कुछ भी किया उसने उसकी सजा मिल चुकी है, उसने माफी भी मांगी है, उसने पछतावा है अपने किए का। अब देखना अनमीत का निस्वार्थ प्यार ना उसने एहसास दिलाएगा सच्चा प्यार क्यों भी है। सच्चा प्यार सगुण ना तू करती है और मैं अंधी ना उम्मीद बने दिखता है। तो अपनी यो आंखों में सारा दर्द समेट के अपनी सारी खुशियां यो सगुण के दामन में देख के यहाँ से चली जाना चाहती है। मत कर मीत। सच्चे प्यार में ना इंसान अपने प्यार ने टूटते बिखरते हारते हुए ना देख सकता। कुछ ही दिनों में मनमीत के दिल से हमारी दोस्ती भी निकल जाएगी, पर सगुन के साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए वो कदे अपने अपने माप ना करेगा। मैं बस चाहती हूँ वो खुश रहे। पहलवान बनने का सपना चिन गया उससे, कम से कम उनसे ब्याह करने का सपना पूरा हो जाए। इंसान एक पंछी पाल ले ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। अच्छा हुआ ना कि वो परकटी हमेशा के लिए चली गई। अब दुखी होने के नहीं खुशियों के दिन आ गए देवर जी। वो परकटी के परकटी परकटी लगा के रखा हुआ है बापी, नाम है उसका
मी थुट्टा परकटीना मी थुट्टा। बस दो दिन में हमारा ब्याह हो जाएगा। अब फिर ये परकटी का भूत शगुन के अदाओं के सामने खुद उतर के भाग जाएगा। कर रही है तू? अंधी है? कहां से बोल रही है? मनमीत, मनमीत, मनमीत को कुछ हो गया तो मैं शादी किससे करूंगी? नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। भले ही चली गई है मीत, पर हर चीज हर जगह मैंने बस तेरी याद दिलाती रहती है। शगुन हाँ सुन, वो डेकोरेशन का जो सामान है वो सांप, सांप, सांप मतलब मनमीत के ठीक पीछे सांप है, और मैंने उसको बता दिया तो उसे शक हो जाएगा कि मैं अंधी नहीं हूँ। क्या करूँ? शगुन 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 रिलैक्स, शांत रह। देख अगर उसे भनक भी पड़ी कि तू देख सकती है तो वो शादी नहीं करेगा। मेरी बात सुन, अगर उसे सांप ने काटा भी तो मंदिर के पास एक डॉक्टर मेहरा है, उसके पास उसे तुरंत ले जाना। जहर का असर फैलने से पहले ही वो ठीक करा देंगे उसे। कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। हमें जुआ खेलना होगा, समझने की कोशिश कर। मैं अभी आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मनमीत तू तो दूल्हा है, तू रस्मों रिवाजों में बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा, तू कहां से इसका ध्यान रखेगा? अरे दूल्हे के करने के लिए सिर्फ एक दो रस्में ही होती है, बाकी तो है ना परिवार, वो देख लेंगे क्या ताम जाम करना है। पर मीत का ख्याल मैं रखूंगा, और मुझसे बेहतर मीत का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। इस बात के लिए मीत राजी नहीं होगी। क्यों मीत? मैं यहां ना रुकूंगी। यू ही सोचा था मैंने, लेकिन आज तक कदे मनमीत की बात टाली है जो आज टालूंगी। तू चाहता है मैं यहीं रुकूं तो मैं यहीं रुकूंगी। तुम दोनों की शादी तक मैं यहीं रुकूंगी और बैंड बजा कर ही जाऊंगी।
मतलब शादी का बाजा तो बजाऊंगी ना, है ना? ये बात तो भी ऐसे के देख रहा है, जानती हूँ शादी का घर है, खाली इतना ही हूँ मैं, बड़ा सा तो भले कर आई, पसाने वाला होगा। लो आ गया। यो सरप्राइज गिफ्ट है, क्यों ना हल्दी में ही खुलेगा, तब तक के लिए आपने इसने जरा अंदर राइट में वो कमरा दिख रहा है ना अपने, वहीं पर रख दो। आराम से। अरे सबकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे ना थी, तेरा और हमारी प्यारी प्यारी सगुन को ब्याह जो है, मेरी ओर से तोहफा ना हो ऐसा कैसे हो सके, तोहफा भी होगा और शादी भी धूमधाम से होगी। जवाब दे। मेरी तरफ देख, तेरा दिल जो कह रहा है ना उसे सुन, अपने दिल की आवाज सुन मम्मी, जो तेरे दिल में है बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे नाम ले चुन ले। पर सरूर ने तो अपनी आंखें खो दी है माँ, कैसे छोड़ दूँ उसको? एक बार आपका दिल आपका मन्ना आपको कोई चीज चुनने को कहता है, अपनी वो एक चीज चुन लेता है, लेकिन आप वो कर नहीं पाते क्योंकि किस्मत ने आपके लिए कुछ और चुन रखा होता। शायद मीत और मणमीत का सफर यही तक था। कैसे सगुन के पास ते कदम पीछे ले लूं मां, लगता है कोई बोरिंग सी किताब पढ़ रही हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इतनी उदास क्यों? मीत भाभी के लिए बुरा लग रहा है, वो मनमीत भैया से इतना प्यार करती है और आई नो तुम शगुन के भाई हो तो मेरी बातें तुम्हें थोड़ी अपसेट करेगी, लेकिन मेघना भाई होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। मैं जानता था कि मीत मनमीत और शगुन के बीच जो रिश्तों के धागे हैं वो उलझ चुके थे, इसीलिए मैं शगुन को यहाँ से ले जाने आया था, और इससे पहले कि मैं शगुन को यहाँ से ले जाता उसके साथ ये हादसा हो गया। अगर ये हादसा ना होता तो मैं शगुन को मीत और मनमीत के बीच कभी ना आने देता। मेघना कहाँ है? बहुत लकी होगी वो लड़की जिसकी शादी तुमसे होगी। शायद वो लड़की तुम ही हो। तुमने कुछ कहा? नहीं।
ये जो चैप्टर है ना काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें बड़ा कमाल का लिटरेचर है। इसके जो पोएट है ना, इन्होंने देशभक्ति पर इतनी इंटरेस्टिंग कविताएं लिखी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कमाल का है ना ये पोएट, मेरी फेवरेट है। यो दोनों इस वक्त यहाँ के कर रहे हैं? ये पंक्तियां देखो, वाह। मेघना, पढ़ाई करने की ये कौन सी जगह है? पढ़ाई करनी है बेटा तो अपने कमरे में जाके अच्छे से कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़, तब ज्यादा असर करेगा। जी ताई जी। दीदी क्या कर रही? ये क्या है? ये सब उसका प्लान था दीदी, हमें गुमराह किया है उसने ताकि हम वहां से हटकर यहाँ आ सके। मतलब असली खेल वो वहां खेल रही होगी, शागुल की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। दीदी हमें जाना होगा जल्दी। चलो जल्दी चलो। जब मनमीत के पीछे सांप उसने डसने वाला था तब तो चुप रही थी, ताकि तेरे अंधेपन का नाटक ना खुल जाए। तूने एक बार भी उसकी जान की परवाह ना की, पर जब तेरी जान पर बनेगी तो देखती हूँ कि तू कैसे चुप रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शगुन और तेज चल लेते हैं। बताना क्या हो रहा होगा उसके साथ वहां। और तेज चल। आप फोन ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए। आज एक बार आवाज उठी है, कल 100 लोग एक साथ आवाज उठाएंगे, और यूं मैंने मंजूर नहीं है कि कोई तेरे साथ बदतमीजी करे, क्योंकि मेरे ते कोई कलेश हो जाएगा। जा चली जा, मैं तेरे ते जो बोल रहा हूँ तो वो सुन। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू यहाँ के यो शादी की तैयारियां, यो हल्दी की तैयारियां किस लिए करा रही है। इसीलिए करा रही है ना, ताकि मैंने अपनी आगे आने वाली जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, मैं चुपचाप आगे बढ़ जाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। वैसे भी राजवर्धन पापा जी का वचन तो तूने मुझसे वापस ले ही लिया है, ये भी यहां से चली जा, क्योंकि अगर तू एक पल भी मेरे सामने और रुकी। मैं प्यार कर रहा हूं प्यार कर रहा है उससे। अगर तू एक पल भी मेरे सामने और रुकी ना, तो मैं अपनी जिंदगी में किसी भी और एक कदम नहीं उठा पाऊंगा। मैंने तो तेरे बचपन का प्यार मिल रहा है ना, फिर तू क्यों कह रहा है ऐसे? मैं ना जाना चाहती, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं नहीं चाहता कि लोग बार बार तेरे पे उंगली उठाएं। मैं नहीं चाहता तने बार बार जलील करें, बेइज्जत करें, तेरे से ये पूछे कि तेरा इस परिवार के बीच में मेरे आगे खड़े होने का क्या हक है, तेरी जगह क्या है इस परिवार में। मैं नहीं चाहता तेरे से कोई यो सवाल पूछे, इसलिए मेरी बात मान, बिना एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बस यहाँ से चली जा। मन्नी ना फर्क पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्यों सोच रहा है तू यो सब, मन्नी कोई फर्क ना पड़ता। दलबीरा, इसे लेकर जा और चंडीगढ़ से पहले कहीं ना उतारी है इसने, घर छोड़ के इसने। मनमीत क्या कर रहा है, समझ क्यों नहीं रहा? मेरा यहाँ रुकना जरूरी है। मेरी बात नहीं समझेगी, मेरी बात नहीं समझेगी। तेरी और बेइज्जती होगी ना, मेरे से देखा नहीं जाएगा और मेरे अंदर इतनी ताकत भी ना बचे कि हर रोज अपने परिवार से लड़ता रहूं, तेरे लिए मेरे से नहीं होगा।